और अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, नमस्ते मंत्री जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक बार नमस्ते किया जाता कि बार बार किया जाता? मंत्री जी, आपके साथ में कौन जो मेरे बच्चे को इस तरह से घूर रहा है? यह हमारे दरबार का रामबली सिंह, यह हमेशा बच्चों की सेवा पालन करता है, इसीलिए आपके बच्चों को देख रहा है। लाओ लड़का कहला जी। मैं खुद अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। दे दो भाभी जी, इसका दिल ना तोड़ो। इसकी शक्ल को देखकर मेरे बच्चे पहले से ही डर रहे हैं। तुम लकड़ बग्घा की तरह साले बने भी हो। रुलाएगा तो नहीं ना? दे दो, रुलाएगा नहीं। दे दो, दूध पिला दे। अच्छा, पिला दे। अरे लड़को, अरे एकदम सुंदर सुंदर देख लियो, गोर गोर कितने लड़का है, नाखिया है, नान नान नकना है, नान नान हाथ के अंगुरी है, नान के धुल्लू है। मंत्री जी, अरे पति नहीं घर पे मेरे, और कैसे आए छिपा।
तुम्हारे पति जी घर पे नहीं है? जी हाँ, इस वक्त स्वामी जी बंगले पर नहीं है और मैं बिल्कुल अकेली। और आपका इस तरह से बिन बताया ना कोई खास काम? बिल्कुल खास काम है, सुनिए मेरी बात। काम नहीं पति से तेरे और ये मेरी मंत्री जी, आपका दिमाग तो ठीक है या फिर आप कोई नशे की टैबलेट खाए हुए हैं? मैन फोर्स खा के आया हूँ। क्या खा करके आए हैं? मैन फोर्स। इसको खाने से क्या होता है? अरे अब ज्यादा ना पूछो, इसको खाने से शरीर में जोश आता है। पगला गए हैं आप? हम बिल्कुल पागल हो चुके हैं तुम्हारी ऊपर, ऐ सुंदरी। और सुनो सुंदरी, अब न देवी लगा मंत्री जी। ऐसा नगे माता नहीं, मंत्री जी ऐसा नगे माता वो नहीं, मंत्री जी ऐसा नगे माता वो रहो दूर मुझे कश्मीर का अंगूर है और बच्चा जाने अपनी अभी भाग जाने अपनी अभी भाग जा
शर्म खा वो जरा शर्म खा। अगर से नहीं मानोगे तो अंजाम बहुत भयानक होगा। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। आई डोंट टॉक योर सिन मिस्टर सदाप इडियट कहेगी। अगर नहीं मानेगी तो तेरे सामने तेरे दोनों बच्चों को काट करके यही बैठे। नहीं आप मेरे बच्चों के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकते। आखिर इसमें इन बच्चों का क्या कसूर, इनका क्या गुनाह? मैं आपसे हाथ उठा प्रार्थना करती हूँ, छोड़ दीजिए। इन बच्चों का कसूर नहीं है बल्कि तेरा कसूर है, क्योंकि ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरती बनाया है तुझे। कसम भगवान की एक बार मेरी बाहों में आ जाओ, तुम्हारी किस्मत में चार चांद लगा दूंगा। और अगर नहीं आओगी तो एक तरफ तुम्हारे दोनों बच्चों की जान और दूसरी तरफ तुम्हारी जात, तुम्हें तुम्हारी इज्जत प्यारी है या कि तुम्हारे बच्चों की जान प्यारी है? 5 मिनट का टाइम देता हूं। नंबर बोलो, नंबर बोलो। तू ना लड़कर के मुंडी अलग, मुंडी अलग, मुंडी। या भगवान, आज तूने मुझे कैसे असमंजस में ला करके डाल दिया कि एक तरफ मेरी इज्जत और दूसरी तरफ मेरे बच्चों की प्राण। आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी हूं कि जहां पर मेरे सामने केवल दो रास्ते हैं, या तो मैं अपनी इज्जत को बचाऊं या तो अपने बच्चों के प्राणों की रक्षा करूं। मैं करूं भी तो क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। नंबर एक और नंबर दो और नंबर ठहर जाइए मंत्री जी, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। सब कुछ करने के लिए तैयार हो तो एक बार मेरी बाहों में भी आने के लिए तैयार हो जाओ। आओ मेरे बाहों।